हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑसम इंडियन मॉम। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरी और भी वीडियोस देख सकें, और ये बिल्कुल फ्री है। तो आज जो है मैं वॉश बेसिन अपना जो है वो साफ़ करने वाली हूँ बिल्कुल अपनी होम रेमेडी से। तो इसके लिए सबसे पहले मेरे को ये नींबू का रस चाहिए, और मैं इसमें मिक्स करने वाली हूँ बेकिंग सोडा 1 से 1.5 चम्मच, और इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी। और इस सारे मिक्सचर को आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। 1 से 2 चम्मच आप इसमें नमक डाल सकते हैं। और डैट्स इट, आपका जो मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है वॉश बेसिन साफ़ करने के लिए। तो अब मैं इस मिक्सचर से वॉश बेसिन साफ़ करूँगी। तो आप देख सकते हैं कि ये इस टाइम जो है पूरा का पूरा वॉश बेसिन बहुत गंदा हो रहा है, और हार्ड वाटर स्टेन्स भी पूरे पड़े हुए हैं। तो अभी मैं इसको पहले तो पूरा पानी से एक बार वेट कर लूँगी, और मैं इस तरीके का ही स्पंज यूज़ कर रही हूँ साफ़ करने के लिए। तो अब मैं अच्छे से इस सारे मिक्सचर को इस तरह से लेकर और पूरे वॉश बेसिन पे of it all that I can.